नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय जन कल्याण सेवा समिति द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का वृक्षारोपण किया गया। फिरोजाबाद कोरोना संक्रमण के इस भयानक दौर में किसी और चीज की महत्ता लोगों को समझ आई हो या न आई हो, लेकिन एक चीज की महत्व भरी भांति समझ आ गया और वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का सबसे सस्ता और अच्छा स्रोत होता है पेड़ और पौधे। जनपद फिरोजाबाद में विश्व पर्यावरण दिवस पर काफी संस्थाओं ने जगह जगह वृक्षारोपण किया। इसी कड़ी में भारतीय जन कल्याण सेवा समिति ने कोटला चुंगी स्थित पीडी जैन इंटर कॉलेज में वृक्ष लगाए और पर्यावरण का महत्व विस्तार से बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के प्रबंधक महासचिव धर्मेंद्र जैन के सब नितेश अग्रवाल, जेपी मित्तल, जितेंद्र जैन और राज जैन आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जैन रोकी। धर्मेंद्र जी, जो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, इसका कितना महत्व होता है एक मानव जीवन के लिए? आज भारतीय जन कल्याण सेवा समिति द्वारा वृक्षारोपण दिवस पर हमारी संस्था ने पीडी इंटर कॉलेज नसियाजी और फील्ड में काफ़ी पौधे लगाए हैं। हमारा उद्देश्य ये है, आज हम वृक्ष लगाते हैं तो जो बड़े होंगे तो इनसे हमें ऑक्सीजन मिलेगी। आज कोरोना जैसी वैश्विक जो महामारी फैली हुई है, आज हमें ऑक्सीजन सिलेंडर काफ़ी महंगे लेने पड़ रहे हैं। जो सिलेंडर 600 रुपये का आता था, आज 30-40 हज़ार रुपये में हमने ब्लैक में खरीदे हैं। आज हम लोग अपनी परंपरा को भूलते गए हैं, इसलिए हमें सिलेंडर ऑक्सीजन मूल खरीदनी पड़ रही है। अगर हम लोग वृक्ष लगाते तो हमें ऑक्सीजन मिलती, पर्याप्त मात्रा मिलती रहती हम लोगों को। धन्यवाद सर। आज ये क्या कार्यक्रम किया गया है पी डी ए इंटर कॉलेज में और किस संस्था द्वारा किया गया है? ये हमारे जो है ना, भारतीय जन कल्याण सेवा समिति द्वारा आज नसियाजी और पी डी जैन परिसर में सघन वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें समिति के प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र जी, प्रदेश संरक्षक जेपी जी और सभी साथियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और पहले गड्ढे खोदे, गड्ढे खोदने के बाद खाद डाली, खाद डालने के बाद ये पौधे लगाए हैं। बहुत अच्छा लगा है कि उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम बहुत सिस्टम से किया है। और आज जो पर्यावरण दिवस पर यह कार्यक्रम किया है, ये पौधे बड़े होंगे और इससे हम ऑक्सीजन भी ले सकेंगे और यहाँ पी डी जैन और नसियाजी परिसर में अच्छी हरियाली रहेगी। मैं अभी सभी समिति के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, ऐसे ही सामाजिक कार्य लगातार करते रहें। धन्यवाद सर।